जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के चलते सबसे गहरा प्रभाव शिक्षा के स्तर पर पड़ा, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के भविष्य को सोचते हुए कई निर्णायक कदम शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए। ओपन बुक परीक्षा से लेकर क्लास प्रमोट जैसी रणनीति बनाकर छात्रों के उज्जवल भविष्य की ओर ध्यान दिया गया। इसी के चलते दतिया जिले के स्नातक गौतम महाविद्यालय में आवेदन प्रक्रिया को लेकर प्राचार्य डॉक्टर डी आर राहुल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए 3 चरणों में आवेदन प्रक्रिया की बात कही। साथ ही ऑनलाइन आवेदन संबंधित हेल्प डेस्क द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने का भी प्रयास महाविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। प्राचार्य डी आर राहुल ने बताया कि इस बार कोविड-19 के चलते छात्र प्रमोट होकर आए हैं, उनके सीटों में भी इस बार वृद्धि की गई है जो मेरिट के आधार पर भरी जाएगी, इसलिए छात्र निराश न हो। देखिए आखिर क्या कुछ कहा पीजी कॉलेज दतिया प्राचार्य डी आर राहुल ने इस रिपोर्ट में। प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, कोई कठिनाई यहाँ उपस्थित नहीं हो रही है। वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं वो हमारे हेल्प सेंटर पर, जो हेल्प सेंटर बनाए हुए हैं विभिन्न कक्षाओं के, उन पर आकर के विद्यार्थी अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं। सो अभी तक कोई कठिनाई हमारे समझ से नहीं आई है, और जैसे ही ये प्रक्रिया पहले चरण की पूरी होगी उसके बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया होगी। हमारे पास पर्याप्त सीटें हैं, सो कठिनाई एडमिशन में नहीं है इस बार। हाँ, एक बात आपको बताना जरूरी है वो ये है कि अब की दफ़ा हायर सेकेंडरी या दर्जन दो स्तर पर सभी विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ये बात अक्सर पूछी जाती है आपके द्वारा कि आखिर कैसे एडमिशन देंगे। सो इसके लिए शासन ने निर्धारित कर दिया है कि आप मेरिट के अनुसार जो सीटें हैं उनमें वृद्धि करते हुए, वो वृद्धि लास्ट 25% अधिकतम संसाधनों को देखते हुए आप कर सकेंगे। सो यहाँ हमने वो स्थिति पहले ही, हमने कहा ये सोचते हुए कि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो, वो सीटें पहले से बढ़ा करके हमने 2000 कर दी हैं बीए फर्स्ट ईयर में, इस तरह से 4.5 से 6 कर दी हैं कॉमर्स में, और इस तरह से साइंस के भी हमने बढ़ाए। एमए में एडमिशन पिछले दफ़ा बहुत हुए थे, उनमें कम से कम 50-50 सीटें बढ़ाई, 150-150 से कम सीटें नहीं हैं भी एमए क्लासेस पर, और हिंदी राजनीति इतिहास में कम से कम 180-180 सीटें हमने की हैं। साइंस सब्जेक्ट में भी जहां 20 और 25 हुआ करती थी वो अब 50 और 60 हो गई। इस बात को देखते हुए भले ही विद्यार्थी आएँ लेकिन उनको मेरिट के अनुसार हम ले पाएंगे, लेकिन जो बचेंगे, हमने ये प्रयास किया है कि जो ज़िले के अन्य कॉलेज जहाँ हर वर्ष खाली रहती हैं सीटें, वो बच्चे यहाँ से जाकर के भांडेर, सेवड़ा, इंद्रगढ़ या गर्ल्स कॉलेज जो खाली रहता है प्रायः, उन में बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के अगर सीटें यहाँ फुल होती हैं तो वहाँ इनके लिए वो विकल्प सामने है। उसका वो प्राइवेट कॉलेज खुल चुके हैं, चल रहे हैं, वहाँ सीटें खाली रहती हैं, उन सीटों पर भी विद्यार्थी जिनका एडमिशन यहाँ नहीं होता मेरिट के आधार पर, वो वहाँ जा करके अपना एडमिशन ले सकता है। तो ये हमारी प्लानिंग है कि जो ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे उनके लिए संभव, हर संभव प्रयास हो कि वो कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो जाए। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।